So let us start with your next chapter. That is your chapter number 2. Okay, this is your chapter number 2 of your paper number 2. Okay, which is nothing but your logic gates. Okay, so let us start. So logic gates में क्या है अभी? Logic gates में actually क्या है ना, कुछ gates के नाम शायद आपको कुछ पता होंगे, AND gate, OR gate, then your NOT gate, XOR gate, NAND gate, ऐसे कुछ gates के नाम आपके पास आएंगे. कुछ gates को हम universal gate भी बोल सकते हैं. अभी ये universal gate क्या होते हैं वो हम देखेंगे exactly, कि क्यों उनको universal gate और basic gates ऐसे करके categorize किया गया है, right? So let us start. Boolean expression भी होंगे आपके पास, उसको solve करने के लिए you can just take the help of your logic gates. Okay, so this is your logic gate. You can just check out this diagram. यहाँ पे क्या है, टू इनपुट्स हैं लॉजिक गेट को. क्या होंगे? टू और मोर इनपुट्स होंगे, वन और मोर इनपुट भी बोल सकते हैं. कुछ ऐसा गेट, एक पर्टिकुलर गेट भी है, उसको वन इनपुट ही होगा और सिंगल आउटपुट होगा. लेकिन मैक्सिमम जो लॉजिक गेट्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं कि टू और मोर इनपुट्स होंगे, वन ही आउटपुट होगा वहाँ पे. ओके, टू और मोर इनपुट्स होंगे और उसको वन आउटपुट होगा वहाँ पे, उसको बोलते हैं आप लॉजिक. सो लॉजिक इज क्या है? हाई और लो हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, या फिर वन और जीरो हो सकता है. ओके, लॉजिक क्या होगा यहाँ पे? हाई और लो, जीरो और वन, और ट्रू और फॉल्स. वन एंड इज सेम, सेम ही उसके कंसेप्ट, राइट? सो ट्रूथ टेबल की एक कंसेप्ट यहाँ पे आती है. ओके, ट्रूथ टेबल की एक कंसेप्ट यहाँ पे आपके पास आएगी. जैसे कि मैंने बोला है कि कुछ गेट्स अभी मैंने मेंशन किए हैं कि लॉजिक गेट्स हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो उसका ट्रूथ टेबल जो है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, सब्सट्रैक्शन और एडिशन के लिए एक टेबल पढ़ा था ना, उसको यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रूथ टेबल, TRUTH टेबल, ट्रूथ टेबल. ओके, सो ये आपको याद करने पड़ेंगे हर एक गेट के. अगर वो गेट की एक टेबल आपके पास है, सिंबल आपके पास है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी क्वेश्चन हो आपके पास, आप सीधा सीधा उसको सॉल्व करते जाएंगे, राइट? सिंबल पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे, राइट? सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो बेसिक गेट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैटेगरी उन्होंने ऑलरेडी कर दी है. PPT में देख रहे हैं आप, ये गेट हम पढ़ने वाले और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, उसको बोलते हैं इन्वर्टर. सो इन्वर्टर मतलब क्या है? इन्वर्ट करने वाला है वो गेट जो होगा. ओके, सो इसको बोलते हैं आप बेसिक गेट्स. अगर पूछे जाए व्हाट आर द वेरियस बेसिक गेट्स, देन यू हैव टू मेंशन दिस थ्री नेम्स. व्हाट आर द वेरियस डिराइव्ड गेट्स, डिराइव्ड इन द सेंस ये जो गेट्स है ना, इसके हेल्प लेके कुछ और गेट्स हम डिराइव कर रहे हैं, कुछ और गेट्स इन्वेंट हुए हैं, उनको बोल रहे हैं आप डिराइव्ड गेट्स. ओके, तो ये है आपके डिराइव्ड गेट्स, दैट इज योर नॉर गेट, नैन गेट एंड योर XOR गेट. ओके, सो आउट ऑफ दिस नॉर एंड नैन गेट्स आर कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट्स. ओके, आउट ऑफ दिस थ्री डिराइव्ड गेट्स, ये दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल गेट करके बोल रहे हैं. सो यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों गेट के हेल्प लेके हम बहुत सारे सर्किट जो है वो और बना सकते हैं, इसलिए बोलते हैं उनको यूनिवर्सल गेट. समझ में आ रहा है आपको? सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो यस, उन्होंने पहले क्या दिया है हमें? और गेट का लॉजिक जो है वो बोला है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस थ्योरी. मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पे बता दूंगी कि लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे, राइट? सो दिस इज योर सिंबल, दिस इज द सिंबल फॉर योर और गेट. यहाँ पे क्या है? ए और बी जो है इनपुट है, वाई इज योर आउटपुट. दिस इज द सिंबल फॉर योर और गेट. इसका अभी क्या है? सिंबल तो मुझे आ गया, आपको बस टेबल याद में रखना है. इक्वेशन क्या है? और मीन्स क्या होगा यहाँ पे? एडिशन होगी. सो वाई इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी. ए बी क्या है? आपके इनपुट है, वाई इज योर आउटपुट. सो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा. सो टेबल क्या है? सीधा सीधा ए और बी के कॉम्बिनेशन लगेंगे आपको, और वाई का आउटपुट क्या है उसका टेबल में बस मेंशन करना है, राइट? सो टेबल में क्या है? जीरो जीरो है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो. जीरो वन अप्लाई किया यहाँ पे एडिशन, तो आंसर क्या आ गई? वन. वन जीरो एडिशन है तो आंसर इज वन. वन प्लस वन का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? वन आएगा. ओके, इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू वन ए प्लस बी. दिस इज द बुलियन इक्वेशन फॉर दिस और गेट. ओके, सो ये जो है इसका लॉजिक, ये पर्टिकुलर और गेट जो है ना वो आपको यहाँ पे दिख रहा है. उन्होंने क्या किया? दो स्विचेस जो है वो पैरेलल में लगाए. आपको दिख रहा है यहाँ पे ए और बी जो है पैरेलल में है, और एक LED है. ओके, और एक रजिस्टर यहाँ पे लगाए फॉर टर्निंग ऑन योर LED. ओके, एंड फॉर टर्निंग ऑफ. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो टेबल है ना, इसका लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो. हर एक एग्जांपल में, हर एक लॉजिक सॉरी हर एक एक्चुअली लॉजिक गेट में ना, आपको ऐसे एग्जांपल और ऐसे एक एप्लीकेशन दिखाई देगा जो कि है प्रैक्टिकल एग्जांपल. यू कैन कंसिडर कि एग्जैक्टली हम ये कहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके, सो आप देख रहे हो ये जो लॉजिक है ना, यहाँ पे अप्लाई करो. जीरो जीरो है तो LED ऑन होगी कि यहाँ पे? जीरो जीरो मतलब ये दोनों ऑफ रहेंगे, ओपन स्विच में रहेंगे, तो करंट या वोल्टेज जो भी होगा आपका फ्लो होगा क्या वहाँ पे? नहीं होगा. सो LED क्या रहेगी? ऑफ रहेगी. जीरो वन है, एक जीरो है और एक वन है. ओके, तो अगर एक भी ऑन होता है तो आपका करंट फ्लो होगा और आपकी LED क्या होगी? ऑन होगी. वन जीरो है, सेम इसमें से करंट फ्लो होगा, आपकी LED क्या होगी? ऑन होगी. अगर वन वन है, दोनों भी क्लोज है, तो भी इसमें से करंट फ्लो होगा, आपकी LED ऑन होगी. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड यूर और गेट.
यही आपको यहाँ पे वो थ्योरी में उन्होंने समझाया है, राइट। सो नेक्स्ट है आपका एंड गेट। सो एंड गेट का भी सेम ये है सिंबल, ओके, दिस इज द सिंबल फॉर यूर एंड गेट। ए बी उसका इनपुट है, वाई इज यूर आउटपुट। सो ए बी के लिए क्या कॉम्बिनेशन कैसे कंसिडर करोगे, यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए इंटू बी, ओके। ए इंटू बी के लिए आपको ये ट्रुथ टेबल जो है वो याद में रखना है। जीरो इंटू जीरो आंसर विल बी जीरो, जीरो इंटू वन आंसर विल बी जीरो, वन इंटू जीरो आंसर विल बी वन, वन वन है तो आंसर वन आएगा। इसका मतलब एंड गेट का आंसर वन कब आ रहा है, जब ये दोनों भी वन वन है तभी आंसर वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा, ओके। सो सिमिलरली यहाँ पे ये जो लॉजिक है उसके लिए ये सर्किट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी क्या है, सीरीज में है, प्रीवियसली पैरेलल में थे। अगर एक भी ऑन हो तो वो एलईडी ऑन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर एक भी ऑफ हो तो एलईडी क्या होगा, ऑफ ही रहेगा। तो ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा और इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, देन यू विल टर्न ऑन दिस एलईडी। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड योर एंड गेट, ओके। देन नेक्स्ट है आपका नॉट गेट। सो इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर इन द सेंस ये आपका होगा ए इनपुट, ये है आपका ए बार। ए बार इन द सेंस अगर ये जीरो है तो आउटपुट में वन आएगा, अगर वन है तो आउटपुट में जीरो आएगा। इसको बोलते हैं आप नॉट गेट और इन्वर्टेड गेट। सो उसके लिए ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट प्रैक्टिकल, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसके आगे के जो गेट है वो है डिराइव्ड गेट्स। डिराइव्ड गेट्स इन द सेंस कि आपके जो बेसिक गेट है एंड और नॉट, वो यूज करके, उनका लॉजिक यूज करके नेक्स्ट वाले गेट जो है वो डिराइव कर दिया है, राइट। सो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, आप देख रहे हो वहाँ पे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा क्या था, और का बुलियन एक्सप्रेशन था, तो इसको बार करना है। सो और का जो टेबल है ना उसको इन्वर्ट करके, उसको अपोजिट करके जो आंसर आएंगे वो बोलते हैं उसका, वो आंसर होंगे आपके नॉर गेट के। नॉर मतलब क्या आ रहा है, आप देखो वर्ड में ही है, ये हो गया आपका एन फॉर नॉट, नॉट ऑफ और गेट, ओके। नॉट का मतलब क्या है, इन्वर्जन, इन्वर्टर। सो और का जो आउटपुट होगा उसको इन्वर्ट करना है, वो हो गया आपका नॉर का टेबल, यहाँ पे बार लिखा है, राइट। सो और के लिए क्या था, कोई भी अगर वन है तो, कोई भी एक कंडीशन वन है तो आउटपुट में वन आ रहे थे, राइट। सो यहाँ पे उल्टा हो गया, अगर जीरो जीरो है, अगर ये जीरो जीरो है तभी ये ऑन आएगा, क्योंकि यहाँ पे बबल है देखो और के लिए, राइट। और बाकी जो है लॉजिक जीरो वन जीरो प्लस वन आंसर विल बी वन आता है। सो इसका इन्वर्जन करके क्या आ रहा है आंसर, जीरो। वन प्लस जीरो है इसका आंसर आता है वन, सो इसका इन्वर्जन करके आंसर आ रहा है जीरो। वन प्लस वन आंसर आ रहा था वन, सो इसका इन्वर्जन करके आंसर आ रहा है जीरो। जीरो प्लस जीरो हमारे पास जीरो आ रहा था और के लिए, सो इसका इन्वर्जन करो आंसर आ रहा है वन। सो वन जीरो 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 विल बी द ट्रूथ टेबल फॉर दिस पर्टिकुलर नॉर गेट। सो दिस विल बी द लॉजिक, ओके, द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ओके। देन उसके बाद यूर नैंड गेट। सो नैंड गेट क्या बनाया, कैसे बनाया है, यूर y इज इक्वल टू ए इंटू बी का बार, दैट मीन्स यूर एंड गेट का इन्वर्जन, इन्वर्टेड आउटपुट। सो एंड गेट में क्या देखा था हमने, अगर ये दोनों वन वन है तभी आपको आउटपुट में वन दिखेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा पूरा। सो जीरो जीरो है तो आउटपुट में वन आएगा, जीरो वन में आउटपुट वन आएगा, वन जीरो में आउटपुट वन आएगा, और यहाँ पे एंड के लिए हमारे पास वन आ रहा था तो यहाँ पे जीरो आएगा। उसके लिए ये होगा आपका इक्विवेलेंट सर्किट। नेक्स्ट आ गया आपका XOR गेट। सो XOR गेट क्या है, यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली XOR गेट को ऐसे बोलते हैं, शायद यहाँ पे मेंशन किया होगा उन्होंने XOR गेट को ना, एनी बट नॉट ऑल ऐसे करके मेंशन करते हैं, ओके, एनी बट नॉट ऑल, ओके। XOR गेट को क्या बोलते हैं, ये लाइन ध्यान में रखो, एनी बट नॉट ऑल, ओके। एनी का मतलब क्या है, अगर कोई भी एक ऑन है तभी उसका आउटपुट आएगा वन, अगर ऑल जीरो है या ऑल वन है तो उसका आउटपुट आएगा जीरो, सीधा ये लाइन ध्यान में रखो, उसके हिसाब से ये टेबल आपको याद में आएंगे। प्रीवियस टेबल तो बहुत ईजी थे, राइट। सो इसको बोलते हैं XOR गेट, उसका ये सिंबल है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, ये एक लाइन ऐड हुई है, ओके। ये हो गया आपका और का ना सिंबल, यहाँ पे एक लाइन हमने ऐड कर दी, उसको बोलते हैं XOR का सिंबल, ओके। सो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन, ओके। यहाँ पे क्या किया है हमने, ए XOR विथ बी, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर यूर XOR गेट, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ, ओके। सो यू कैन जस्ट चेक आउट, उन्होंने बोला है कि अगर ए एक्स और बी का मीनिंग क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हो गई उसकी बुलियन एक्सप्रेशन, ओके। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है कि ए इज इक्वल टू जीरो है और बी इज इक्वल टू वन है, तो उसके लिए आपको ये आउटपुट जो है वो डिराइव करने, उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है और उसके वैल्यूज पुट डाउन करके फाइनल आंसर जो है वाई का वो वैल्यूज पुट कैलकुलेट करनी है, राइट। सो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं प्रैक्टिकली, जैसे हमने प्रीवियस सर्किट देखे थे ना कि आपके सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके आप लैंप या फिर एलईडी जो है ना वो टर्न ऑन या टर्न ऑफ करके दिखा सकते हो, राइट। सो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है कि फिगर एन एक्सक्लूसिव और गेट, दैट इज यूर XOR गेट जो था ना हमने अभी पढ़ा था, तो उसका जो है ना ये सिंबल है, ओके। उसका लॉजिक जो है दैट इज योर ए बार बी, ओके। ए बार बी मतलब क्या है, दिस वन,
ओके ए बार बी, बार क्यों बोला है, ए का जो है उसका इन्वर्जन किया है इसलिए नॉट गेट यूज किया, बी एज इट इज यूज किया है राइट, और क्या है ए बी बार है, सो ए को यहाँ से ले लो एंड बी का इन्वर्जन करो, नॉट गेट यहाँ पे अप्लाई करो ओके okay? फिर उसके बाद क्या है दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सो इसके लिए हमने यहाँ पे एंड गेट यूज किया है राइट, फिर ये दोनों की एडिशन है, फिर ये दोनों को मिला के यहाँ पे और गेट लगा दो, ये हो गया आपका एक्स और गेट का सिंबल, लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर बुलियन एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड एंड और गेट का हम हेल्प ले रहे हैं, नॉट गेट की भी हमने हेल्प ली, इसको क्या बोल रहे हैं फिर डिराइव्ड गेट्स बोल रहे हैं हम राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड ओके, सो कंपैरिजन ऑफ योर लॉजिक गेट्स वही है सेम अभी जो हमने पढ़ा है कि नॉट गेट एंड गेट नैंड गेट और गेट नॉर गेट एक्स और गेट एक्सक्लूसिव नॉर गेट ओके, इसके सब सिंबल है, इसके लॉजिक गेट्स के जो ट्रूथ टेबल है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं और उसके बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं राइट। अगर आपके पहले से स्टार्ट से अभी तक के जो गेट है वो उसके लॉजिक उसके सिंबल ध्यान में अभी अधिक अभी तक आए हो तो ये टेबल जो है ना फाइनल टेबल आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो खुद के मन के हिसाब से, खुद के मन और रिकॉल करके आपको क्या करना है ऐसा एक टेबल प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको ये सब गेट उसके सिंबल और उसके बुलियन एक्सप्रेशन याद में रखने हैं, फिर उसके बाद ऐसा एक टेबल खुद के हिसाब से और यहाँ वहाँ देख के नहीं लिखने ओके, बुक की हेल्प नहीं लेनी है या वीडियो की भी हेल्प नहीं लेनी है, बस खुद को ये रिवीजन के लिए ऐसे एक टेबल बनाना है ओके। ये टेबल याद में आ गया तो कुछ भी पूछा जाए आप सीधा सीधा आंसर लिख पाओगे राइट। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट यूर ऑड एंड इवन पैरिटी, सो वट इज दिस पैरिटी चेकिंग एक्चुअली, सो पैरिटी चेकिंग क्या होती है कि ऑड नंबर और इवन नंबर अगर आपको सॉर्ट आउट करने हैं, कुछ नंबर लिस्ट आपके सामने है उसमें से मैंने बोला कि ऑड नंबर और इवन नंबर जो है वो सॉर्ट आउट करो और फाइंड आउट करो, तो उसके लिए क्या करोगे आप ये टेबल की हेल्प ले सकते हो, मतलब ये टेबल जो है ना और आपका जो XOR का गेट है, सो XOR गेट इज इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, XOR गेट जो है वो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट इज़ नथिंग बट यूर पैरिटी चेकिंग ओके, दैट इज़ नथिंग बट यूर पैरिटी चेकिंग मेथड। सो आप यहाँ पे देख रहे हो तीन इनपुट है मेरे पास, इंस्टेड ऑफ ए बी यहाँ पे तीन इनपुट है, सो तीन है मतलब क्या होगा 2 to the power 3 मतलब आंसर विल बी 8, सो 0 to 7 का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है बाइनरी का, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 लाइक फॉर अप टू 7, मतलब ये 0 के लिए है, 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 4 5 6 and 7, ये डेसिमल नंबर के लिए ये बाइनरी कन्वर्जन का टेबल आपको यहाँ पे लिखना है और XOR का जो टेबल है ट्रुथ टेबल उसको फॉलो करके आपके पास ये Y का आउटपुट आएगा राइट। सो Y का आउटपुट के लिए अभी ना फिर से वो पूरा इक्वेशन XOR की अप्लाई मत करो, जैसे कि मैंने बोला XOR के लिए हमने कौन सी लाइन याद में रखी है, एनी बट नॉट ऑल ओके, एनी बट नॉट ऑल उन्होंने बोला है, अगर सब ऑल है ऑन है ओके सब के सब अगर यहाँ पे ऑन है तो यहाँ पे क्या करना है 1 लिख दो ओके, इवन है ओके यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, एक्चुअली पैरिटी चेकिंग बोला है उन्होंने, XOR गेट जो है वो पैरिटी चेकिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ओके। सो अगर नंबर इवन है ओके अगर नंबर इवन है मतलब 1 1 यहाँ पे 2 times आ रहा है तो वहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे 1 1 2 times आ रहा है तो 0 लिख दो, जहाँ पे इवन नंबर आ रहे हैं वहाँ पे 0 लिख दो और जहाँ पे ऑड नंबर है मतलब 1 एक ही बार आ रहा है यहाँ पे 3 बार आ रहा है मतलब एक बार हो या 3 बार हो तो वहाँ पे क्या आ रहा है आपका आंसर 1, अगर आपका नंबर 2 बार 4 बार ऐसे आ रहा है रिपीट तो वहाँ पे 0 लिख दो, 0 के लिए 0 ही लिख दो राइट। सो ये हो गया आपका पैरिटी चेकिंग का टेबल, मतलब आप इवन और ऐड ऑड नंबर जो है वो टेबल के वो फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर XOR लॉजिक सर्किट राइट, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद डी मॉर्गन्स थ्योरम भी यहाँ पे उन्होंने बोला है ओके, सो दिस इज नथिंग बट यूर डी मॉर्गन्स थ्योरम ओके। सो फर्स्ट थ्योरम उन्होंने क्या बोला है कि नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू यूर बबल्ड एंड गेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूर सम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ यूर कॉम्प्लीमेंट, उन्होंने क्या बोला है नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू यूर बबल्ड ऑन गेट। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको नॉर गेट जो है दिस इज द सिंबल फॉर यूर नॉर गेट ओके। सो अगर मैंने एंड गेट का सिंबल लगाया ओके यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे उसको बबल अप्लाई कर दिए, सो इसका और इसका जो आंसर है दोनों का तो आप देखोगे ये सेम आ रहा है, देखो ए बार इंटू बी बार, ए बार ये हो गया ए ओके यहाँ पे बबल लगाया मतलब यहाँ पे बार हो जाएगा, बी है यहाँ पे बबल लगाया मतलब यहाँ पे बी बार हो जाएगा ओके। सो ये जो आंसर है इस ये गेट का ये आ रहा है और यहाँ पे आपका नॉर गेट का जो आंसर है वो टेबल तो आपको पता ही है राइट, जो कि है अपोजिट ऑफ योर और गेट राइट। सो ये दोनों के आंसर क्या हो रहे हैं 1 एंड द सेम आ रहे, ये एक थ्योरम है आपके पास ओके, दिस इज योर डी मॉर्गन्स थ्योरम राइट। सो कुछ प्रूफ है और यहाँ पे कुछ केसेस है, केस नंबर 1 2 3 उन्होंने यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया है आपको, इसको बोलते हैं आप डी मॉर्गन्स थ्योरम ओके, दैट इज नथिंग बट द नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट, बबल लगाया मतलब यहाँ पे नॉट गेट आपने अप्लाई किया, दैट्स इट
ओके सो नेक्स्ट थ्योरम क्या है और सेकंड थ्योरम क्या है आपका डी मॉर्गन्स का, ये आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द टू डिफरेंट थ्योरम्स ऑफ योर डी मॉर्गन्स थ्योरम, ओके व्हाट आर द टू डिफरेंट वेज ऑफ योर डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो उसके लिए आपको ये बताना है। पहला वाला क्या था कि नॉर गेट को अगर एंड गेट को अगर आप बबल लगाते हो तो नॉर और योर बबल एंड गेट का आंसर जो है वो सेम आएगा, और ये हो गया आपका सेकंड वाला लॉजिक, सेकंड थ्योरम। सो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड ऑर गेट, ये हो गया आपका नैंड गेट का सिंबल जो कि है अपोजिट ऑफ योर एंड गेट। और उन्होंने क्या बोला है कि अगर और को आप यहाँ पे नॉट गेट लगाते हो उसको बोलते हैं बबल्ड और गेट, तो ये दोनों के आंसर जो है ना टेबल में वन एंड सेम आएंगे। सो इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ओके नैंड गेट के लिए इक्वेशन क्या है, ए इंटू बी बार, और यहाँ पे बबल्ड और गेट के लिए इक्वेशन क्या आएगी, ए बार, क्योंकि यहाँ पे ए और बी है और गेट है इसलिए यहाँ पे एडिशन होगी, राइट इसकी एडिशन होगी, जस्ट वन मिनट, यहाँ पे क्या होगी इसकी एडिशन होगी ना, ए और बी की एडिशन होगी, क्यों होगी क्योंकि ये बबल वाला और गेट है, सो बबल इसके लिए ए और बी बार होगा, तो ये दोनों के आंसर भी क्या होंगे सेम होंगे। सो ये हो गए आपके डी मॉर्गन्स के थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड। सो दैट्स इट, आई थिंक दिस ऑल दिस पॉइंट्स हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन यूर सिलेबस, ओके ओके। सो नेक्स्ट एक्चुअली उन्होंने क्या बोला है, यहाँ से आगे के जो स्लाइड्स है कुछ भी नहीं है, कि जैसे कि मैंने बोला कि नैंड गेट नॉर गेट जो है उनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, सो विद द हेल्प ऑफ दिस नैंड गेट एंड नॉर गेट यू कैन जस्ट डिजाइन यूर एनी सर्किट, यहाँ पे वही लॉजिक उन्होंने बोला है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे। सो अगर नॉट गेट आपको डिजाइन करना है बाय यूजिंग यूर नैंड गेट कंसेप्ट, सो यू कैन चेक आउट, ओके ये हो गया हमारा नैंड गेट का सिम्बॉल, लेकिन हमें क्या डिजाइन करना है, नॉट गेट जो कि क्या है ऐसे होता है, नॉट का आउटपुट क्या आता है, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं नैंड गेट यूज करके वो नॉट गेट डिजाइन करना चाहते हैं, राइट क्यों, क्योंकि उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, राइट। सो ये और बी है इसको कंबाइन करके क्या कर दिया हमने, ए बार कंसिडर किया और यहाँ पे क्या किया है बबल लगा दिया, सो ऑब्वियसली क्या हो गया ये नॉट गेट हो गया। सो ऐसे हम डिजाइन कर रहे हैं नैंड गेट को यूज करके नॉट गेट हमने डिजाइन कर दिया। सो इन अ सिमिलर वे अगर एंड गेट अगर आपको डिजाइन करना है, ये हो गया आपका एंड गेट, दिस इज द सिंबल फॉर योर एंड गेट, राइट। अगर नैंड गेट यूज करके करना है तो क्या करना है, इसको और नॉट गेट को ऐड करो, दैट मीन्स यहाँ पे ये नैंड गेट एज इट इज ड्रॉ करो, कंबाइन करो ये आउटपुट और यहाँ पे बबल लगा दो जो कि नॉट जैसा ही होगा, ओके जैसे कि हमने अभी दिखाया, तो इस ये दोनों को अगर कंबाइन किया बबल बबल कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा फिर से आपका एंड गेट हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद सेम नॉर को अगर आपको डिजाइन करना है बाय यूजिंग नैंड गेट, सो दिस इज द कंसेप्ट, ओके। सो इन दिस वे अगर कौन सा भी सर्किट आपके सामने हो और को डिजाइन करना है बाय यूजिंग यूर नैंड गेट, देन यू कैन ऑल्सो डिजाइन, सो विद द हेल्प ऑफ यूर नैंड गेट यू कैन डिजाइन एनी सर्किट, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस एज यूर यूनिवर्सल गेट। सो यहाँ पे वेरियस एग्जाम्पल और कन्वर्जन उन्होंने बोले, राइट। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ यूर एक्सर बाय यूजिंग नैंड, उसके लिए भी आप ये डिजाइनिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट और द फाइनल पॉइंट इज नथिंग बट यूर हाफ एडर एंड यूर फुल एडर, ये कभी कभी क्वेश्चन मे बी शायद बहुत टाइम पूछा गया है, मुझे बस एक बार रीचेक करना पड़ेगा कि कितनी बार ये हाफ एडर एंड फुल एडर जो है वो पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगी, राइट। सो यहाँ पे देखो कि हाफ एडर एंड फुल एडर की कंसेप्ट क्या है, राइट। सो हाफ एडर और फुल एडर को क्या है, दो इनपुट्स है हमारे पास ए एंड बी, ओके। सो क्या है यहाँ पे, एक मैंने एंड गेट यूज किया है, आउटपुट में क्या आ गया फिर एंड गेट है तो वाई इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे क्या है एक्सऑर गेट है, सो ए एक्सऑर बी, दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हो गया आपका एक्सऑर गेट का आउटपुट, राइट। सो यहाँ पे जो टेबल के टेबल जो आपको पता है उसके आंसर जो है यहाँ पे लिख दो, ओके। सो 0001 1011 कॉम्बिनेशन आएगी क्योंकि मेरे पास क्या है टू इनपुट है, सो 2 to the power 2 4 है, सो 4 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लिखने हैं, अगर 3 इनपुट है तो 8 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लिखने हैं, ये समझ में आएगा शायद आपको, ऑलरेडी पता होगा, राइट। सो यहाँ पे 00 का आंसर क्या है 0, 01 का क्या है 0, 10 का क्या है 0, 11 का क्या है 1, ये हो गया आपका एंड गेट का आंसर, ये होगा फिर आपका एक्सऑर गेट का आंसर, राइट। सो यहाँ पे एंड गेट का जो आंसर है वो हो गया आपका कैरी का टेबल, और एक्सऑर गेट का जो आंसर है ये हो गया आपके सम, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट ऑफ योर हाफ एडर। इसको आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में, जो इसको टू इनपुट और सम और कैरी होगी, इसको बोलते हैं आप हाफ एडर। अगर फुल एडर है तो उसमें आपको दिखाई देगा कि डिफरेंस क्या है, ओके। सो फुल एडर के लिए इंस्टेड ऑफ टू यहाँ पे 3 इनपुट्स है, 2 to the power 3 आंसर विल बी 8, सो 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखो, ये हो गया आपका XOR का आंसर जो कि होगा सम, और एंड का आंसर होगा आपका सपोज कैरी का आंसर, ओके। सो उसके लिए हो गए ये लॉजिक डायग्राम, ये जो है ना ये लॉजिक डायग्राम ए बी सी, ओके। ए बी अगर है तो ए और बी का यहाँ से इनपुट लो, बी सी का यहाँ से इनपुट लो, ए सी को यहाँ से इनपुट लो, ये हो गया आपकी कैरी का टेबल। ये क्यों दिखा, ये जहाँ पे 1 1 है ना उसके लिए आपको ये
जो लॉजिक यहाँ पे गेट उन्होंने डिज़ाइन किए वो उसके ये वन वन के लिए उन्होंने डिज़ाइन कर दिए, राइट। सो सम के लिए ये वाला लॉजिक है और कैरी के लिए ये वाला लॉजिक है, आपको अप्लाई करना है। बुलियन एक्सप्रेशन इज दिस वन फॉर दिस पर्टिकुलर फुल एडर, ओके। सो दिस इज द कंप्लीट आइडिया फॉर यूर फुल एडर। सो मे बी ये क्वेश्चन जो है ना आपका हाफ एडर और फुल एडर का, ये मे बी बहुत बहुत बार पूछा गया है, राइट। सो जस्ट पे अटेंशन फॉर दिस ऑल्सो। देन बाइनरी एडर, ओके। सो दिस इज द बाइनरी एडर। बाइनरी एडर का क्या है, उन्होंने 4-bit बाइनरी एडर यहाँ पे दिखाया है, राइट। यहाँ पे हाफ एडर है, फुल एडर है, फुल एडर है, ओके। यहाँ पे S0, S1, S2, S3 है सिलेक्शन बिट, S4 भी है, 4 सिलेक्शन बिट से यहाँ पे ये हो गई कैरी C1, C2, C3, C0, C1, C2, C3, ओके। सो कंसिडर टू नंबर्स A0 टू A3, B0 टू B3, ओके। ये है C0, C1, C2, C3 कैरी, ये हो गए आपके सिलेक्ट लाइन्स, राइट। सो ये हो गया एक एग्जाम्पल ऑफ योर बाइनरी एडर, राइट। सो नेक्स्ट है आपका XOR इन्वर्टर। अगर XOR आपको इन्वर्टर की तरह यूज़ करना है, XOR कंट्रोल डी इन्वर्टर एंड एप्लीकेशन, तो उसके लिए ये डायग्राम जो है XOR की वो आपको फॉलो करनी है। B इज इक्वल टू 1 अप्लाई करो, सो आंसर में क्या आएगा, Y इज इक्वल टू A बार आएगा, राइट। सो दिस आर एग्जैक्ट वाई आई एम एक्चुअली टेकिंग ऑल दिस इन स्पीड, बिकॉज हमने जो अभी तक पढ़ा है जो भी लॉजिक टेबल ट्रूथ टेबल उसका सिंबल वही सेम एज इट इज़ यहाँ से आगे जो है वो उन्होंने अप्लाई किया है फॉर वेरियस एप्लीकेशन, मे बी एडर हो, फुल एडर हो, सब्सट्रैक्टर हो, जो भी हो, वहाँ पे आपको प्रीवियस जो गेट्स हमने पढ़े थे वही अप्लाई किए उन्होंने, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, एडर और सब्सट्रैक्टर। प्रीवियस जो था एडर था और सब्सट्रैक्टर के लिए आपको ये डायग्राम जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज द बुलियन अलजेब्रा। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको आते हैं, बुलियन इक्वेशन दिए जाते हैं और उसको बोलते हैं कि लेफ्ट साइड जो है उसको प्रूव करो कि राइट हैंड साइड जो है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को प्रूव करो, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं आपको, ओके। दोनों भी साइड एक दूसरे के साथ सेम ही है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आते हैं, तो उसके लिए ना आपको ये बुलियन लॉज जो है वो हमेशा याद में रखने हैं। जैसे ट्रूथ टेबल आपने याद रखे थे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो टेबल था आपने याद रखा था, सो इन अ सिमिलर वे ये बुलियन लॉज जो है आपको याद रखने हैं, राइट। ये आपको बुलियन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो इक्वेशन आपके सामने है, ओके, इसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन थ्योरम, राइट। सो ये इक्वेशन जो आपके सामने है वो बस याद में रखने हैं। अगर ये याद में है तो आप जो भी आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन आएगा उसको सेटिस्फाई करके इजीली सॉल्व कर सकोगे, राइट। देन उसके बाद यस, जैसे मैंने बोला कि दिस आर दिस सम सॉल्व एग्जांपल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे करके आपको एग्जांपल्स आते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो हमने अभी बुलियन लॉज देखे थे उसको याद करके बस ध्यान में फिक्स दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो इस तरह से आपको आएंगे, ओके। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स, एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर यूर लॉजिक गेट्स, ओके। लेकिन उसके लिए अगर आपको लॉजिक गेट्स की कंसेप्ट और गेट और उसके सिंबल और उसका टेबल सब पता है, देन क्वेश्चन कैसा भी हो, बुलियन एक्सप्रेशन हो या फिर गेट डिजाइनिंग का हो, कुछ भी पूछा जाए आपको सब आएगा, राइट। सो आई होप सो ये चैप्टर जो है मैंने मेरी तरफ से पूरे इजी एंड वे में लेने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आया हो पूरा, राइट। शायद नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है, राइट। सो आई होप सो आपको ये सब समझ में आया हो, ओके। सो व्हाट वी कैन डू, एक्चुअली हमें और एक चैप्टर आज लेना है, राइट। सो पेपर टू के जो है ना, हम सीधा सीधा ना कुछ क्वेश्चन बैंक जो है ना वो बनाएंगे, उसमें आपको मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि एग्जैक्टली 50 मार्क में से अगर 20 लेने हैं तो कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगर 50 में 30 लेने हैं तो कितने क्वेश्चन के ऊपर आपको ध्यान देना है, ऐसे कुछ करके हम एक लेक्चर जो है एक सेशन जो लेने वाले हैं, राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ कम्प्लीटिंग योर सिलेबस, राइट। सो आई थिंक फॉर दिस टू चैप्टर्स सबके लिए समझ में आए हो, जस्ट गो थ्रू योर कम्प्लीट वीडियो ऑफ माई कम्प्लीट वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि इसमें नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट क्या है। फिर उसके बाद आज ही हम कंक्लूड करने वाले यूर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का और एक चैप्टर। सो तब तक के लिए थैंक यू।